फिल्म अभिनेता नसरुद्दीन शाह को द केरला स्टोरी से उनको नफरत नजर आ रहा है। जब बात आती है हिंदू बेटी और बहनों को बचाने के लिए और फिल्म के माध्यम से बचाने का प्रयास किया जा रहा है, जागरूकता लाई जा रही है कि किस प्रकार से जिहादी अपने लव जिहाद करके हमारी हिंदू बेटी बहनों को बर्बाद कर रहे हैं, तो जब उनके पाप जिहादियों के सामने लाया जा रहा है फिल्म के माध्यम से, तो नसरुद्दीन शाह जी को आपत्ति होती है। देखो, एक कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका, और नसरुद्दीन शाह जी को आपत्ति इस बात की हो रही है। जब उनके बारे में अध्ययन किया तो पता ये चला कि नसरुद्दीन शाह जी तो खुद लव जिहाद किए बैठे हैं, और ऐसे प्रतीत होता है कि उनकी जो धर्मपत्नी है हिंदू है। अगर वास्तव में इन्होंने लव जिहाद किया है नसरुद्दीन शाह जी, तो हमें लगता है उनकी धर्मपत्नी को शिकायत दर्ज कराना चाहिए, आवश्यकता है। अगर इन्होंने लोभ लालच या डर दिखा करके एक हिंदू बेटी को अगर जो वो किया हो लव जिहाद, तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि उनको सामने आना चाहिए ताकि कार्रवाई हो। क्योंकि इस तरह से अनेक पुराने जो अपने पापी है, पाप को ढकने के लिए जानबूझ करके जब फिल्म के माध्यम से हिंदू समाज, हिंदू बेटी और बहनों की बचाने की बात आती है, तो ऐसे लोग बेतुके बयान दे रहे हैं। जिस नसरुद्दीन शाह को समस्त हिंदुस्तान के हिंदू और हम सब ने, हमें भी उनके फिल्म को पसंद आया, कभी हमने ये नहीं देखा कि ये मुस्लिम है, लेकिन जिस हिंदुस्तान के लोगों ने उनको प्रेम दिया, उसके बेटी बहनों की रक्षा की बात आ रही, तो इस तरह प्रकार से जहर उगल रहे, जैसे वो कितना उनके अंदर हिंदुओं के प्रति घृणा नफरत भरा पड़ा है, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें लगता है कि उनको अगर जो आपत्ति है तो बॉलीवुड छोड़ दे, उनको अगर जो आपत्ति है तो जितना भी फिल्म से पैसे कमाए हैं हिंदुस्तान से, हिंदुस्तानियों को वो वापस करें। और हमें तो लगता है कि हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों को अपना नसरुद्दीन शाह के फिल्म का बहिष्कार करना चाहिए। द केरला स्टोरी चलेगा और निश्चित रूप से ऐसे फिल्मों का स्वागत होगा, क्योंकि फिल्म समाज का आईना होता है। अब तो कुछ परिवर्तन हुआ है, फिल्म वाले लाइन पे आएंगे, अगर नहीं आएंगे तो फालतू की फिल्में नहीं चलेगी और नसरुद्दीन शाह जैसे लोगों का विरोध होगा इस देश में। ध्यान रहे, बहुत बहुत धन्यवाद, हरिओम, राम राम।